अंदर खेल रहे उन्हीं को पता है। भारतीय मीडिया का रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ अजीब से बयानात, और जो बातें आप लोगों ने नहीं की वो भी उन लोगों ने इस तरह से अनाउंस की, इज इट ट्रू? यार फैसल बात ये है कि बहुत ज्यादा मुझे समझ नहीं आया कि इस बार क्यों उनका ऐसा हमारे साथ उनका रिस्पॉन्स था। आई थिंक मैं काफी अरसे से इंडिया जाता रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त, बड़ा पॉजिटिव रहते हैं हमारे साथ और बड़ा मजा आता है, लेकिन इस बार बिल्कुल डिफरेंट था। और मेरे ख्याल में छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के दिखाना कि शायद अफरीदी के पांव के नीचे चूंटी आके मर गई, तो वो उनके लिए वो भी ब्रेकिंग न्यूज है। चलिए अच्छी बात है, ये तो हम भी दहशत थी ना भाई, आजकल तो मुझे उन्होंने तालिबान बनाया हुआ। अच्छा मैंने आपका सुना था इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि तालिबान का मतलब, तो तुम लोग समझो कि तालिबान का मतलब क्या है, वो तालिबिल में जो कि तालीम हासिल कर रहा है, और मतलब उसका देट वाज सच अ गुड आंसर। और मैं गई थी अपनी रिपोर्ट्स लेने हॉस्पिटल, और वहां पे चल रहा था, और वो मैंने सुना कि यू नो शाहिद खान अफरीदी इज़ ऑन कॉल, मैंने उन हॉस्पिटल वालों को बोला वॉल्यूम तो तेज करो, उनके साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट था टाइम्स नाउ जो चैनल है वहाँ का इंडिया, तो उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो उन्होंने मुझे जब वो पाकिस्तान आए थे तो उनको मैं अपने सारा नॉर्थ का एरिया दिखाने गया था, और किस तरह पठानों का स्टाइल और जो भी कल्चर हमारा है तो वो दिखाया, तो उन्होंने टोटली जो है ना उसको तालिबान से मिला दिया, मरवाएंगे मुझे। ये तो तंग नजरी हुई ना, मेरा मतलब वहाँ का बड़ा बहुत नेगेटिव, वो जो पाकिस्तान के बारे में बातें करते थे और पाकिस्तान टीम के बारे में बातें करते थे, लिटरली सॉरी टू से उन्होंने हमारे कपड़े उतार दिए थे। हाँ नहीं वो तो मैं बिल्कुल जो बयानात सुन रहा था, जो देख रहा था, मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा था, और इसी बात पे मुझे अपने कुछ दोस्तों से हैरत भी होती है कि फिर उसके बावजूद आप लोग सपोर्ट करते हैं उन लोगों को किसी भी तरीके से, हमारे मीडिया के हवाले से अगर उनको सपोर्ट किया जाता है। फिर जैसे आपका आते ही जो पहला बयान था, मैंने यहाँ रिपीट भी किया था कि क्यों आप लोग अपने क्या कहते हैं इंडिया से इतना बड़ा हमारा वो मुकाबला करवाते हैं, जब आपकी शादियां उनके तरीकों से होती हैं, आपकी शादियों में गाने उनके बजते हैं, ड्रामे आप लोग उनके देखते हैं, तो फिर मुकाबला क्यों करवाते हैं? ये लोग वो बहुत ज्यादा वो कराते हैं। देखिए इंडियन जो लोग हैं, लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले, हमारे अपने मुल्क में इतनी वैल्यू नहीं है जहाँ पे इंडिया में है, इसलिए वो क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन देयर, और वो इतने जबरदस्त लोग हैं, लेकिन मीडिया ने, जाहिर बात है मीडिया ही है सब कुछ, जिसको देखो टीवी के सामने बैठ के बैठा हुआ है और मीडिया को सुन रहा है, अब मीडिया मेरा मतलब है कि लोगों के कान भरता रहता है ना, क्यों नेगेटिव यार आप क्यों नेगेटिव बातें करते हैं, लोगों के जहन में डालते हैं। हम लोग चाहते हैं पड़ोसियों से तो नहीं लड़ सकते, उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए, उनके दुख में शामिल होना चाहिए हम लोगों को, और बिना एम्बेसडर हम तो हमेशा कोशिश यही है कि पाकिस्तान का अच्छा सा बेहतर इमेज रहे, और उनके हमारे उनके प्लेयर्स फिर भी हमारी मीडिया को इंटरव्यूज वगैरह नहीं देते, अवॉइड करते हैं, हम लोग फिर भी उनको देते ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे आपस में। इसलिए मैंने ये बात की थी कि हमारा बड़ा दिल है, हमारी मीडिया का बड़ा दिल है, तो थोड़ा सा अगर हमारी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारे तकरीबन मीडिया पे, इस तरह की कोई बात नहीं, बल्कि मैं उस दिन यहाँ बैठ के शो पे कहा भी था कि आज ये साबित हुआ कि कौन सा पढ़ा लिखा मीडिया है और कौन सा जाहिल, लेकिन हमने कुछ थोड़ी बहुत कोशिशें की थी वो आपको दिखाते हैं, वो जरा दिखाइए। सही बात है। अच्छा वर्ल्ड कप में जब मैचेस हो रहे थे, किस ऑपोजिट क्रिकेटर की विकेट लेके सबसे ज्यादा मजा आया, कि बंदा कहता है कि यार बस ये हो गया, कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसको आउट करके आपने कहा यार ये मजा आ गया भाई? यार फैसल कुछ विकेटें ऐसी होती हैं कि जो सिचुएशन के हिसाब से हमें लेनी पड़ती हैं, कि यार नहीं ये प्लेयर चाहे कोई भी खेल रहा हो, ये प्लेयर इस सिचुएशन आउट गया, ये आउट हो गया तो उनको हम ठीक ठाक प्रेशर डाल देंगे, चाहे कोई भी हो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कोई प्लेयर आउट हो जाए, अच्छा कोई खुशी होती है कि इसलिए कि हमें विकेट की जरूरत ही नहीं, एक फोकस होता है ना कि यार ये ऐसे हजारी बात है, बड़े बड़े नाम है हर टीम में, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, उनको आउट करके तो फिर खुशी कुछ और होती है। सचिन की बड़ी विकेट है, यूवी को जिस तरह आउट किया, युवराज को, दिलशान जिस तरह आउट हुआ, तो संगकारा, ये ऐसे प्लेयर हैं इनकी विकेट लेके ना फिर ये होता है कि नहीं यार अब मैच इंशाल्लाह निकल गया। माशाल्लाह रेशो तो वही रहा 4-3-5, 4-3-5 हाईएस्ट जो है विकेट टेकिंग रेशो। अच्छा ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर मैं आपके कहूं कि सचिन तेंदुलकर को और धोनी को आपको रेट करना है, तो आप क्या नंबर उनको देंगे? सचिन तो भाई बहुत हाई क्लास है, उसकी परफॉर्मेंस आप उठा के देखें, नो डाउट वो तो वहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा प्लेयर है सचिन। और मेरे ख्याल में धोनी का मैं इस चीज़ पे क्रेडिट लाजमी दूंगा कि जिस तरह वो इतने सीनियर प्लेयरों के बीच में आकर उसने टीम को एज ए यूनिट के तौर पे लेके गया, और जिस तरह टीम को लेके गया, बड़ी बात है, उसको क्रेडिट बहुत जाता है। ये एक बहुत ही सिंसियर स्पोर्ट्समैन के जो हैं वो कमेंट्स हैं, वरना जनरली लोग ये कहते हैं ना कि बहुत जिनको एटीट्यूड होता है तो वो फिर दूसरों को इनकरेज नहीं करते,
लेकिन आपके बहुत नहीं, नहीं, जो सही है वो सही है, जो रियलिटी है आपके बारे में भी कह देता हूँ सब। मैं तो जब मैं खाना पकाऊंगी तो फिर आप बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये भाई हमारे हीरो की जो है ये बहुत बड़प्पन है, और मैं चाहूंगी कि इंडियन मीडिया से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस चीज को भी हाईलाइट करें। और मुझे जो सबसे गुस्सा आया हुआ है ना, कैदी मैंने वो वैसे नहीं देखा था, लेकिन शायद भाई मैं इसलिए सबको बोल रही हूँ कि जो जेन्युइन बात है वो सच है, जो सच होना चाहिए। और वो ये शाहरुख खान और ये लोग सारे इतने इतने कमजोरी के जोक्स कि मतलब मुझे तो वो आग लगी थी नहीं कि मैं आगे फैसल को दिन बता भी रही थी ना कि फलाने शो पे हो, कि मतलब एक सर्टन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप वो कहते हैं ना कि आप रियल हीरो हैं, और आप चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, किधर दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, लेकिन ये कि एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं, बहुत जरूरी है। लेकिन इनके जितने भी शाहरुख हो गया, सलमान हो गए, आमिर हो गए, ये बड़े जबरदस्त, बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं। जैसे मैच खत्म हुआ, आमिर खान खुद मेरे कमरे में आया होटल में। अच्छा। और मिला, बैठा रहा काफी देर तक। तो मेरे इनमें कुछ लोग बहुत जबरदस्त हैं जो कि बड़ा अप्रिशिएट करते हैं स्टार्स को, और अब उनके अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। जो हमारे कुछ अद हीरो वगैरह या हीरोइन वगैरह में नजर आते हैं यहाँ पाकिस्तान में, है कुछ नहीं, लेकिन इशारा मेरी तरफ क्यों हो रहा है? ये तीन उनमें देखो मेरी तरफ है, तो हमारे ज्यादा